हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, बोला गया एक्सप्रेस वाई इन अ टर्म ऑफ एक्स। हमें वाई की वैल्यू बतानी है टर्म ऑफ एक्स में। तो 3y प्लस का 5x है, ट्रांसपोज होगी इसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये लो जी, मेरी वाई की वैल्यू आ गई इन अ टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया है द पॉइंट 90 लाई ऑन विच एक्सिस, यानी जो पॉइंट है कौन से एक्सिस पे लाई करता है। तो इसमें देखो, एक्स तो है मेरा, बट वाई कौन है, जीरो। अगर वाई जीरो होता है तो वो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 87। बोला फाइंड अ सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई विच लाई ऑन वाई एक्सिस, वो पॉइंट बताना हमें जो वाई एक्सिस पे लाई करता हो। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसमें एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बस एक्स की जगह जीरो रख दो, वाई इज इक्वल टू 5, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 5। तो वो पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 एंड 5। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। बोला कि एक्सप्रेस द इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल में इक्वेशन को लिखना है। देखो, मेरे पास वाई तो है बट x नहीं दे रखा, तो इसको x में लगाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x, 0x लिख दूंगा। तो इसके देखो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल में हो गए, बस इतना लिख के छोड़ दो, हो गया मेरा सॉल्यूशन। 89 बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन विच इज़ अ पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो पैरेलल हो x एक्सिस के एंड इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अपवर्ड, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ बनेगा। तो मैंने एक कार्टिजन प्लेन बनाया छोटा सा, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2, 1 2 3। अब यहाँ बोला गया पैरेलल किसकी होंगी, एक्स एक्सिस की, यानी कि जो पॉइंट है लाइन बनेगी या तो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी। फिर आगे इन्फॉर्मेशन दी है ये 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अपवर्ड, यानी कि ओरिजिन में रही है, ओरिजिन से 2 पॉइंट ऊपर है, तो 2.1 और 2, यानी जो लाइन पास की जा रही है वो कुछ इस तरीके से की जा रही है। ये मेरी लाइन होगी जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस। अब इसमें इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये मेरे क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 2 होगा और एक कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 एंड 2। हमें पूछा था लीनियर इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2। ये y में से पास हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करते हैं। बोला चेक द वेदर सॉल्यूशन ऑफ 2x - y, ये बताओ क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये मेरा x है, ये y है, प्लॉट करके देख लो। 2x - y = 6, x बराबर कितना दे रखा, 1, y बराबर माइनस का 2, 2 1 = 2, -, प्लस 4, 4 ≠ 6, इस वजह से ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट 1 - 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 2x - y = 6, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मेरा 90 हो गया। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है चेक वेदर x = 2 y = -2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है ये हमें बताना है। तो जो मेरी इक्वेशन है 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, y की वैल्यू -2 = 6, 2 2 = 4, -, प्लस = 6, तो ये कितना हुआ, 6 = 6, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हाँ ये इसके सॉल्यूशन है। यस, x = 2 and y = -2 is solution of 2x - y = 6, ये इसके सॉल्यूशन हैं। अब डिस्कस करते हैं 92, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, इसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली, यहाँ रखा x एंड y। सबसे पहले मैंने x बराबर रखा 0, अपनी मर्जी से, एक पॉइंट अपनी मर्जी से लेना, दूसरा आपको फाइंड करना है, कुछ भी कर सकते हो, चाहे x को मान लो या y को मान लो, किसी एक को मानना है, दूसरा फाइंड करना है। x बराबर मैंने 0 रखा, यहाँ 0 लिया, +2, 5 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म, कितना आया, 2।
अगर मैंने x 0 रखा तो y कितना आया 2। इस बार मैंने y को 0 रख के देखा, y की जगह 0 5x प्लस 2, प्लस का 2 ट्रांसपोज हो किस का हो गया माइनस का, मल्टीप्लाई में x किस में आ गया डिवाइड में, तो यह मेरा माइनस का 2 अपॉन में 5। ठीक, फिर एक बार मैंने x बराबर ट्राई करके देखा 1 को, y इज इक्वल टू 5 1 प्लस 2, तो यह आया मेरा 5 × 5 प्लस 2, यह आ गया 7। तो यहाँ 7 रख के देखा, यानी कि मैं हर बार एक वैल्यू मानता हूँ दूसरी वैल्यू निकालता हूँ, जो आंसर आते हैं मेरे वो अगले वाले से डिफरेंट होते हैं, ये वाले अगले वाले से डिफरेंट होते हैं। इस बार मैंने y बराबर मान के देखा 2, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चलो ये तो मेरा सॉल्यूशन पहले हो चुका है, 2 मत मानो कुछ और मान लो, मान लो 10 मान लो चलो। ठीक है, y बराबर मान लिया 10, 10 रखा, 5x प्लस 2, प्लस का जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, मल्टीप्लाई में है इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर में कितना है 8/5। तो यानी कि जितनी भी वैल्यू मान लो x की या y की, हर बार आंसर डिफरेंट ही आएंगे, तो इस वजह से इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, आप हर बार वैल्यू मानते जो एक अलग वैल्यू आएगी पिछले वाले आंसर से, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, इस वजह से इसके क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ, अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू वन और हमें ये इक्वेशन दे रखी है, के एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन, वाई की वैल्यू वन, के को माइनस के मल्टीप्लाई किया माइनस का के, माइनस का 2 = 0, माइनस का के ट्रांसपोज हो गया कि इसका हो गया प्लस का, तो मेरी के की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 94, बोला कि इफ़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 के इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं 50 पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मेरे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये x है और ये y है, इक्वेशन है मेरी 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 के, एक्स की वैल्यू है 5, तो मैंने एक्स की जगह रख दिया 5, के वाई वाई की वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ रख दिया 0, 10 के, 5 × 2 = 10, के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई में 10 है या आ जाएगा डिवाइड में, 10 में 10 का डिवाइड दिया कितना है 1, के की वैल्यू मेरी निकल गई आ गई 1, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।